अलमारी संदूक कूलर के लिए मेरे सिमरन स्टील इंडस्ट्री। नमस्कार, मैं वेद प्रकाश सहयोगी जया के साथ धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और इस वक्त हम चल पड़े हैं भिवानी से और आप देख सकते हो ये अभी नया जो हाईवे बनाया वो है और अब कुछ ही समय में हम पहुंच जाएंगे गांव झिंझर में। और झिंझर आजकल सुर्खियों में आया हुआ है। बताया जा रहा है कि कथित तौर पर गांव झिंझर में एक नीम के पेड़ में दो आँखें और नाक और मुंह भर आया है और इसे शीतला माता बताकर प्रचारित किया जा रहा है। हालांकि जाने के बाद पता चलेगा आखिर माजरा क्या है, क्या ये अफवाह है। हम किसी पाखंड को बढ़ावा नहीं देते, लेकिन फिर भी जो हकीकत है वो आपको बताते ज़रूर हैं हम। और आज वो दिखाएंगे हकीकत आखिर क्या है नीम के पेड़ में दो आँख नाक और मुंह भरने का मामला आखिर किसका है ये आकृति वाला मामला। तो बने रहिए हमारे साथ, हम दिखाएंगे आपको गांव झिंझर में वो घर, ग्रामीणों से भी बातचीत करवाएंगे क्या मानते हैं ग्रामीण, हालांकि मिली जुली प्रतिक्रिया नज़र आएगी। आज हम पहुंचे हैं चक्की दादरी के गांव झिंझर में और झिंझर में जैसे आपको पता है कि एक पेड़ में दो आँखें उभर कर आई है और बताया जाता है वो शीतला माता का रूप है, लेकिन कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं जो जिन्होंने देखा है तो उनसे बात करेंगे आखिर उन्होंने क्या देखा, क्या चीज़ हो। नमस्कार जी, नीम का पेड़ बताऊं से पेड़ आपने क्या देखा जी? नीम का पेड़ में दो आँख से और नाक सर पूरा मुंह दिखा सर, पूरा मुंह दिखा और उसका बाकी सही बनाया उड़े दिखा सर कुदरती नीम में लकड़ रही है, लिकड़ रही है अपना आप। देखो भाई निभा पड़े आप नीम में लिकड़ रही है। नमस्कार जी, नहीं देखी अच्छा। नमस्कार जी, देखिए आपने के नाम आपका अशोक जी, क्या दिखाई दिया आपने वहाँ आग दिखे हैं वो बनाई उड़ी थी दिखे तो किसने बना रखे हूँ दिखे हैं तो के लागत है ये अपना आप उभरी है कि जी वो तो हम तो देख के आए हैं तो लकड़ी उड़ी दिखे हैं। तो भाई और भी भगत जी भी हैं अपना, नमस्कार जी, क्या नाम है जी? राजेंद्र नाम। राजेंद्र जी क्या आपने देखे अभी तक वो? ऐसे नीम तो काफी हमारे काम में, आप तो जिंदगी में कभी पहले बार सुने हमने तो ये काम। अच्छा, पहले बार जिंदगी में काफी नीम बड़े 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 नीम बड़े मेरे पास भी से नीम लगा रखा है इसमें को लकड़ी ने उसमें लकड़ी इसमें ज्यादा सेवा करी इस नीम की। अच्छा, इसमें काफी सेवा करी। देखो भाई मिली जुली बात है, काफी सेवा करी मैंने इसकी नीम की, काफी करी इसमें को लकड़ी ने उसमें जंगल में उसमें लकड़ी। अच्छा, जंगल में लकड़ी है? हाँ, वो जंगल में मकान से उनके उड़े लकड़े उड़े मकान बना लिए। आज को देखने भी कौन आया है? हाँ, देखने कौन आया आज इसका सिटिंग ऑपरेशन करके देखांगे वो आंख झपके से ना झपकती बनाए उड़ी से ऑटोमेटिक उभरी से इसकी सच्चाई का आज पता करेंगे साल की। चलो बने रही हमारे साथ और दिखाएंगे वो आंखें आपको और वो पेड़ भी दिखाएंगे जिसमें बताई जाती है दो आंखें उभरी हैं, दो मातला शीतला का रूप बताया गया है। तो बने रहिए हमारे साथ, मैं वेद प्रकाश सहयोगी जया के साथ धाकड़ है हरियाणा। नमस्कार, मैं वेद प्रकाश सहयोगी जया के साथ धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और इस वक्त मौजूद है हम गांव झिंझर में और ये अचीना की तरफ रास्ता जाता है और इसी ये जो मकान है इसमें अब मैं कहूँगा कैमरामैन को दिखाएं, इसमें नीम का पेड़ है उस पे ही वो आकृति उभरी है, दो आँखें उभरी हैं, कुछ चेहरा भी सामने नजर है। हमारे साथ में मौजूद है ग्रामीण। नमस्कार, क्या नाम है? मेरा जी मीर सिंह। मीर सिंह जी, क्या देखा आप लोगों ने, किस तरह क्या बात है? हमने जी रोख में ये देखा कि एक दिन एक आँख निकली थी, फिर दो तीन दिन बाद दूसरी निकली है। अच्छा अच्छा, यही मतलब देखा है। और फिर ये कहने लगे भाई हमारी नीम के पेड़ के अंदर से ऐसे हुआ है। अच्छा, इस वजह से जो हमने एक आदमी देखा। अच्छा, काफ़ी लोग आ रहे थे? हाँ जी, काफ़ी तीन चार दिन से बहुत ज़्यादा ही तो भाई काफ़ी लोग यहाँ पर देखने के लिए आ रहे हैं और मीडिया के लोग भी काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन अभी बता रहे हैं मीडिया के लिए इन्होंने मना कर दिया भाई हम वीडियो नहीं बनवाएंगे।
क्योंकि ये भी बताया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा भाई, जब मीडिया में आने के बाद ये जो आकृति जो उभर रही थी वो वही रुकी है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, इसलिए इस बात को अभी रोक दिया है अभी, ताकि शायद ये आकृति पूरी तरह से सामने आ जाए और वो एक अपना पूरा रूप ले ले। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है? मेरा नाम जय सिंह कटारिया है, चेयरमैन सर्वोदय महिला विकास समिति हरियाणा। मैं भी आज इस प्रकृति के बात को देखते हुए आया था, इसमें देखा ये एक्चुअल में जो आंखें लग रही हैं, एक्चुअल में ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ तो है, नहीं तो इतनी दूर से नहीं आते, लेकिन परिवार वाले लोगों की जो आवागमन की भीड़ है उससे तंग आकर के उन्होंने ये सोचा है कि भाई हम इसकी वीडियो ना बनवाएं। और आगे इनकी सोच ये भी है कि भाई जब ये वीडियो का प्रचार ज़्यादा करने की वजह से इसकी जो प्रकृतियाँ बन रही थी वो रुक गई हैं, तो आवागमन को बंद किया जाए और इसकी प्रचार प्रसार को बंद कर दिया जाए, ताकि ये प्रकृति के रूप में पूरी माता के रूप में उभर सके, इन परिवार वालों की सोच है। धन्यवाद। तो आपने देखा तो आपको भी दिखाएंगे, वो वीडियो फुटेज भी दिखाएंगे जिसमें दो आंखें उभरी हुई हैं और वो आगे अपना रूप लेना चाह रही थी, लेकिन कुछ जो उसका प्रचार प्रसार इतना ज़्यादा हुआ कि वो आकृति वहीं पर ठहर गई है, और इसलिए अभी इन्होंने इस बात पर रोक लगा दी कि इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा ना हो, ताकि ये आकृति पूरी तरह से अपना रूप ले ले। धन्यवाद। मैं वेद प्रकाश सहयोगी जय एक साथ धाकड़ हरियाणा। कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। लोहे की अलमारी, कूलर, संदूक, पेटी इत्यादि के लिए संपर्क करें सिमरन स्टील इंडस्ट्री, तोसाम रोड, बलियाली।